देवकी नंदन जी, मैंने आपके बहुत इंटरव्यू लिए, लेकिन आज अयोध्या की धरती पर ऐसा लगता है एक अलग तरह का उमंग, अलग तरह की उमंग और अलग तरह का उत्साह है, और चेहरे पर वो जो मुस्कान है 3 इंच की, मतलब ये कहाँ से आ रहा है? ये मेरा राम दे रहा है, क्योंकि मेरा राम आ रहा है, मेरा भगवान आ रहा है। आप सब मिलके हमें भी मौका दे दो। अरे आप ही आपने तिवारी जी को मौका दे दिया, हमको नहीं दे रहे हो? बिल्कुल, मैं तो कहने वाला था आपसे। हाँ, एक एक मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज, हो आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे कष्ट मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे कष्ट मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो पल ना झुलाऊंगे, राम आएंगे तो, हो राम आएंगे तो पल ना झुलाऊंगे, राम आएंगे तो। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। क्या बात है, बहुत। देखिए, जय श्री राम। अरे जोर से बोलो जरा, बिराज जाओ। रामायण जो हमने पढ़ी, रामायण जो हमने सुनी, रामायण जो हमने देखी, राम राज्य का लोकतंत्र आज के लोकतंत्र से कहीं ज्यादा बेहतर, कहीं ज्यादा ऊपर था। वहां सवाल पूछने की आजादी थी, और वहां पर एक जनमानस का अंतिम पंक्ति में खड़ा एक शख्स, एक धोबी भी सवाल पूछता है वहां पर, तो उसको उसका जवाब दिया जाता है। अग्नि परीक्षा से सीता माता को गुजरना पड़ता है। और आज अगर कोई सरकार पर सवाल पूछ देता है तो उसको विधर्मी विरोधी ठहरा दिया जाता है, उसको कह दिया जाता है कि ये राम विरोधी है। राम ने कभी उसको विरोधी नहीं कहा, अर्बन नक्सल ठहरा दिया जाता है, कह दिया जाता है कि ये तो सनातन विरोधी है। देखिए, मैं एक बात जानता हूं, इस बात को बड़े ढंग से समझिए। मुझे जो राम राज्य की कल्पना है, हम लोग अयोध्या में बैठे हैं, अयोध्या की ये घटनाएं उस समय की है जब भगवान श्री राम राज्य कर रहे थे। तो भगवान मर्यादा देखना, किसको मर्यादा कहते, बहुत गजब की। एक स्वान, एक डॉग भगवान के महल के आगे रोने लगा, रोता गया रोता गया, महल के अंदर नहीं गया। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण जाके देखो कि कोई महल के बाहर रो रहा है, जाओ जरा चेक करो कौन है। तो उसने अपना दुख बताया कि मैं राम जी को कुछ शिकायत सुनाना चाहता हूँ। तो भगवान श्री राम के पास लक्ष्मण जी लौट के आए, बोले आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। बोले आप उसे ले आओ भीतर, उसे भीतर ले आओ। तो लक्ष्मण गए, बोले चलो भीतर राम जी को सुनाओ। स्वान की सुनना, अंग्रेजी में उसे डॉग कहते हैं, हमारे यहाँ उसे कुत्ता भी कहते हैं, लेकिन सांस्कृतिक भाषा में उसे स्वान कहते हैं। स्वान ने कहा कि राम जी को कहो बाहर आए, मैं भीतर नहीं जा सकता। अरे बोले क्यों, भगवान आएंगे तुम्हारे लिए, तुम चलो। बोले नहीं नहीं, मैं स्वान हूं, मुझे मालूम है कि मेरी अधिकार चौखट के बाहर का है, भीतर का नहीं। मैं चौखट के भीतर नहीं जा सकता, क्योंकि वो मेरा धर्म नहीं है। मैं घरों के बाहर रहता हूं, ये मेरा धर्म है, मैं घर के भीतर नहीं जा सकता हूं। इसलिए राम जी को कहो अगर वो सच्चे राजा हैं तो यहां आके सुनाए मेरी बात, यहां सुने। भगवान श्री राम स्वान की सुनने के लिए
अपनी गद्दी छोड़कर महल के चौखट तक आए। जिन राम के राज्य में स्वान भी अपने धर्म का निर्वाण करता हो वो सनातनी है। हम ऐसे राम की पूजा कर रहे हैं, हम ऐसे राम मंदिर के इनके राम के राम मंदिर में आने का स्वागत कर रहे हैं हम। मैं तो उन्हीं राम का उदाहरण दे रहा हूं, मैं तो उन्हीं राम के लोकतंत्र का उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे राम लोकतंत्र की तो कहानी बताई मैंने आपको, अब बताओ। तो उस लोकतंत्र में जहां राम एक श्वान के लिए अपने मंच से सिंहासन से उतर कर आ गए, उसी राम के नाम का जाप करने वाले, उसी राम के नाम पर राजनीति करने वाले दूसरे विरोधी को ये क्यों कह देते हैं कि ये राम विरोधी हैं, ये सनातन विरोधी हैं? नहीं देखो, ये राजनीतिक एजेंडा है, उनका वक्तव्य है, उसके पीछे मेरा कोई वक्तव्य हो नहीं सकता। मैं धर्माचार्य हूँ, अगर मैं सनातनी धर्म गुरु हूँ तो मुझे सनातन की बात अपने धर्म की बात कह सकता हूँ। तो आप पार्टी क्या करती है मुझे क्या मतलब? नहीं, आप उन नेताओं को धर्माचार्य होने के नाते सीख तो दे सकते हैं राम। मैं तो सभी पार्टियों के नेताओं को ये कह रहा हूँ कि अगर राम जी एक कुत्ते की बात को सुनने के लिए अपनी गद्दी छोड़कर जा सकते हैं तो जो अपने अपने नगर के वो हैं क्या नाम है प्रतिनिधि हैं, उनको अपने क्षेत्र में रहने वाले हर प्रतिनिधि की सुनवाई करनी चाहिए। और अगर वो ना आ सकता हो तो आपको वहां पर जाना चाहिए। वो किसी भी धर्म का हो, किसी का भी हो, अगर जनप्रतिनिधि हो वहां के तो, लेकिन हो न्याय अन्याय ना हो। अब हम और एक और बात क्या बोल दें कि नहीं, ये भी हमें पिंच करते रहते ना, बोल दो। जिस समय भगवान श्री राम, ये सभी राजनीतिक हरेक राजनीति के लोगों को ध्यान से सुननी चाहिए बात, जितने भी लोग ये समझते हैं कि हम नेता बन जाएं, एमएलए बन जाएं, एमपी बन जाएं, अगर आप सनातनी हो तो एक चीज को सुन लो। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बन जाते समय एक बात कही थी, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरकगामी होता है। इसलिए लक्ष्मण तुम यहां रहो, मैं जा रहा हूं, मेरे पिताजी दुखी हैं तो पूरी प्रजा का ध्यान तुम रखना। ये भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया था। हम लोग जो एमएलए एमपी जो भी बनते बेचारे, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम एमएलए एमपी बन के सिर्फ सरकारी सैलरी नहीं लें, मेरे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं मैं उनके दुख दर्द में हमदर्द हो सकूं, उनकी सहायता कर सकूं, वही सही माने में सेवा है और वही सही माने में शासन है। क्या बात है।